मानसून की शुरुआती बारिश में लखीमपुर शहर के खपरैल बाजार जलमग्न हुआ। प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद बाजार के दुकानदारों ने नाली नाला को कर रखा बंद। बावजूद इसके आज बारिश होने के कारण घुटनों तक बाजार में पानी भरा रहा, जिसकी जानकारी मिलते ही नगर पालिका की एक टीम आर्य कन्या चौराहे पर जेसीबी लेकर पहुंच गई। रोड से 7 फीट गहरा 70 साल पुराना नाला ढूंढ निकाला। रुके हुए पानी को व्यवस्थित करने का काम नगर पालिका करवा रही। आखिर में सवाल ये होता है, बरसात से पूर्व कितनी नालों की सफाई होने के बावजूद किसी नालों को क्यों नहीं साफ किया गया। आए दिन पहले भी हर बरसात में होती थी इस बाजार में जलभराव की समस्या। नगर पालिका अध्यक्ष पुत्र कपिल श्रीवास्तव ने मौके पर स्वयं खड़े होकर कार्रवाई कराई। लखीमपुर खीरी से पवन सक्सेना के साथ रितेश भसीन की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। पर रोड पर खुदाई हो रही है, ये किस चीज का काम चल रहा है, क्या है ये? आज हल्की सी बरसात में पूरे बाजार में त्राही त्राही मची है, हजारों दुकानदारों का नुकसान हो गया है। समय से पूर्व नाले की सफाई ना होने के कारण ये आज हम लोगों को, सभी नगरवासियों को झेलना पड़ रहा है। किन किन जो है जगह का ये हद में आए हैं जल भराव में? फूल मंडी, चावल मंडी, खपरैल बाजार, मछली मंडी, सब्जी मंडी, सभी दुकानदार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जिनका हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। तरीके से आप ये देखते हैं ये नाला खोला जा रहा है, किस तरीके से आप बोलना चाहते हैं? ये आज तक हमारे देखते हुए 50 साल उम्र हो गई है, आज तक कभी भी इस नाले की इस तरीके से सफाई नहीं हुई। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो रोड पे इसको नाले को चोक था, और नगर पालिका द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में बाजार में पानी आनी नहीं भरेगा। मैं आम जनता हूँ और हम भी बाजार में घर है, मेरे भी घर के नीचे पानी भरा है। क्या लगता है आपको इसे जल भराव से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी मुक्ति, ये जब नाले की सफाई हो जाएगी। नाले पे जो भी अतिक्रमण है नाले पे, वो सब अतिक्रमण हटाया जाए, तभी सुधार हो पाएगा पानी का।